अगर आप प्लंबिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो प्लंबिंग के टूल्स के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज की ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है। सवालात और तफसीली वजाहत के जरिए प्लंबिंग टूल्स के बारे में अपने इल्म में इजाफा करें। ये एमसीक्यूज की सीरीज आपकी समझ को जांचने और बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई है। प्लंबिंग के माहिर बनने के लिए इस तालीमी सफर में आप हमारे साथ शामिल हों, हमें बहुत खुशी होगी। प्लंबिंग विद ज़ुल्फ़िकार में हम आपको खुश आमदीद करते हैं और एक नई वीडियो की जानिब चलते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ वैक्यूम पंप इन प्लंबिंग? प्लंबिंग में वैक्यूम पंप का क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी टेस्टिंग वाटर प्रेशर, सी क्रिएटिंग सक्शन फॉर ड्रेनेज पाइप, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब है क्रिएटिंग सक्शन फॉर ड्रेनेज पाइप। सक्शन पंप को इस्तेमाल किया जाता है ड्रेनेज पाइप के अंदर से पानी निकालने के लिए सक्शन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टूल इज यूज फॉर टाइटिंग एंड लूजिंग टाइट स्पेस वर अदर रेंच मे नॉट फिट? जहाँ कहीं हमारा नॉर्मल पाइप रेंच या रेंच काम नहीं करता है, मसलन तंग जगह पे, स्पेस जगह पे, वहाँ कौन सा टूल्स प्लंबिंग में काम आता है? ऑप्शन ए इज बेसन रेंच, बी एडजस्टेबल रेंच, सी पाइप रेंच, डी ऑफसेट रेंच। इसका सही जवाब है ऑफसेट रेंच। जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, ऑफसेट रेंज को बनाया इस तरीके से गया है, तकरीबन ये 45 डिग्री में बैंड हुआ है। मिसाल के तौर पर ओवरहेड में करीब करीब से लाइनें पाइपलाइन गुजर रही हैं, तो उसको हम खोलने के लिए, बंद करने के लिए उसकी फिटिंग को जो नॉर्मल रेंज इस्तेमाल करेंगे वहाँ जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता, तो वहाँ हम ये हेक्सागोनल रेंच, ऑफसेट रेंज इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टी स्प्रिंग इन प्लंबिंग? टी स्प्रिंग का प्लंबिंग में क्या काम है? ए कटिंग पाइप, बी बेंडिंग पाइप, सी अलाइंग पाइप, डी मेजरिंग वाटर प्रेशर। इसका सही जवाब है अलाइनिंग पाइप्स। टी स्प्रिंग एक तरह का पाइप सपोर्ट है जो हैंगिंग पाइप को सपोर्ट करता है, यानी ओवरहेड पाइप की लाइन को में इस्तेमाल होता है और पाइप को एक सीध में रखने के काम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टूल इज यूज फॉर टाइटिंग एंड लूजिंग हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट विद अ रेचटिंग मैकेनिज्म? वो कौन सा टूल है जिसकी मदद से हेक्सागोनल नट को हम खोलते या बंद कर सकते हैं रेचटिंग मैकेनिज्म के जरिए? ऑप्शन ए इज एलन रेंच, बी रैचेट रेंच, सी एडजस्टेबल रेंच, डी चैनल लॉक प्लेयर। इसका सही जवाब है रैचेट रेंच। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टूल इज यूज फॉर ज्वाइनिंग पैक्स पाइप विद अ सिक्योर एंड वाटर टाइट कनेक्शन विदाउट द नीड फॉर सोल्डरिंग और जेली? कौन सा मेथड है जिसके जरिए, कौन सा टूल है जिसके जरिए हम पैक्स पाइप को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन लगा सकते हैं बगैर सोल्डरिंग और जेलिंग के? ऑप्शन ए इज पाइप थ्रेडर, बी क्रैम्पिंग टूल, सी कंप्रेशन फिटिंग, डी पैक्स एक्सपेंडर। इसका सही जवाब होगा डी पैक्स एक्सपेंडर टूल। इस टूल की मदद से हम पैक्स पाइप के अंदर ज्वाइंट लगा सकते हैं वाटर टाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पाइप बेंडिंग मैंड्रल इन प्लंबिंग? पाइप बेंडिंग में पाइप मैंड्रल का क्या काम है? ऑप्शन ए इज मेजरिंग वाटर फ्लो, बी बेंडिंग पाइप्स, सी फ्लोरिंग द एंड ऑफ पाइप, डी सपोर्टिंग पाइप ड्यूरिंग बेंडिंग। इसका सही जवाब होगा सपोर्टिंग पाइप ड्यूरिंग बेंडिंग। जब हम कोई कॉपर पाइप को बेंड कर रहे होते हैं तो हमें सपोर्टिंग के लिए कोई टूल्स चाहिए होता है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में देखते आए हैं कि हमें एक स्प्रिंग दिखाया गया था जिसकी मदद से हम पाइप को बआसानी बेंड कर सकते हैं, इसी तरह का ये मैंड्रल टूल्स कहलाता है जो कि हम बेंडिंग में आसानी करता है कॉपर पाइप।
क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइप वाइज इन प्लम्बिंग, पाइप वाइज का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, बी होल्डिंग पाइप सिक्योरली, फोर कटिंग और थ्रेडिंग, सी मेजरिंग वाटर फ्लो, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब होगा बी, होल्डिंग पाइप सिक्योरली फॉर कटिंग और थ्रेडिंग। जब हम पाइप को काटने जाएं या उसकी सिरे पे थ्रेड बनाने जाएं तो हमें उसको पकड़ना पड़ता है, जिसके लिए हम वाइस का, पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर एडजस्टिंग द वाटर लेवल इन अ टॉयलेट टैंक? ऑप्शन ए इज एडजस्टिंग एडजस्टेबल रेंज, बी पाइप रेंज, सी टॉयलेट प्लंजर, डी टॉयलेट फिल वेल्व की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टॉयलेट फिल वेल्व की। टॉयलेट फिल वेल्व की मदद से हम टॉयलेट टैंक का वाटर लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्यूबिंग नॉचर इन प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में ट्यूबिंग नॉचर का क्या काम है? ऑप्शन ए इज कटिंग पाइप, बी नॉचिंग और कटिंग एंगल इन ट्यूबिंग, सी बेंडिंग पाइप, डी मेजरिंग वाटर प्रेशर। इसका सही जवाब होगा नॉचिंग और कटिंग एंगल इन बेंडिंग पाइप। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टूल इज यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ पाइप और फिटिंग इन प्लम्बिंग, प्लम्बिंग के अंदर पाइप फिटिंग की डेप्थ मालूम करने के लिए कौन सा टूल हम इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए इज डेप्थ गेज, बी टेप मेजरिंग, सी एडजस्टेबल रेंज, डी पाइप रीमर। इसका सही जवाब होगा ए डेप्थ गेज, डेप्थ गेज के जरिए हम फिटिंग या पाइप की डेप्थ मालूम कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर टाइटिंग एंड लूजिंग नट एंड बोल्ट विद अ क्रीसेंट शेप जॉज, वो कौन सा टूल है जिसके जरिए नट को हम खोले या बंद कर सकते हैं, जिसके अंदर चांद की तरह दांत बने होते हैं? ऑप्शन ए इज एडजस्टेबल रेंज, बी पाइप रेंज, सी क्रीसेंट रेंज, डी चैनल लॉक प्लेयर। इसका सही जवाब होगा क्रीसेंट रेंज। जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये तो हमारा आम तौर पर एडजस्टेबल रेंज भी है, तो जनाब इसको एडजस्टेबल रेंज को क्रीसेंट रेंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइप थोइंग ब्लैंकेट इन प्लम्बिंग, पाइप थोइंग ब्लैंकेट का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज सीलिंग पाइप ज्वाइंट, बी क्रिएटिंग फ्रीज प्लग फॉर पाइप रिपेयर, सी मेजरिंग वाटर फ्लो, डी थोइंग फ्रोजन पाइप। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, थोइंग फ्रोजन पाइप। ये टूल्स हमारे एक ब्लैंकेट की तरह ही है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ कहीं पाइप फ्रीज हो जाए, इसमें आइस जम जाए, तो इसके गिर्द इसको लपेटा जाता है, इलेक्ट्रिक से चलता है ये, और इसके ज़रिए हम कोई फ्रोजन पाइप को नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हैं और वाटर फ्लो को यकीनी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टूल इज यूज फॉर टाइटिंग एंड लूजिंग हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट्स इन प्लम्बिंग, वो कौन सा टूल है जिसके जरिए हम हेक्सागोनल नट को खोले या बंद कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज एलन रेंज, बी रैचेट रेंज, सी एडजस्टेबल रेंज, डी चैनल लॉक प्लेयर। इसका सही जवाब होगा सी एडजस्टेबल रेंज। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्यूबिंग स्ट्रेटनर इन प्लम्बिंग, ट्यूबिंग स्ट्रेटनर का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज कटिंग पाइप, बी बेंडिंग पाइप, सी स्ट्रेटनिंग बेंड ट्यूब, डी मेजरिंग वाटर प्रेशर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्ट्रेटनिंग बेंड ट्यूबिंग। जहाँ कहीं हमारा कॉपर पाइप बेंड हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसको हमें स्ट्रेट करने के लिए ये ट्यूबिंग स्ट्रेटनर यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर कटिंग थ्रो प्लास्टिक पाइप लाइक पैक्स और पीवीसी क्विकली एंड क्लीनली, वो कौन सा टूल है जिसकी मदद से हम प्लास्टिक पाइप या पैक्स पाइप को जल्दी और आसानी से काट सकते हैं?
ऑप्शन ए इज हैक्सॉ, बी पाइप कटर, सी पीवीसी कटर, डी ट्यूबिंग कटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पीवीसी कटर। इस कटर से आमतौर पर हम तमाम प्लास्टिक के पाइप को बासानी काट लेते हैं, लेकिन ये पीवीसी पैक्स और पीपीआरसी पाइप को बहुत अच्छा काटता है। इसके काटने से पाइप स्क्वायरली होता है, यानी कि सीधा कटता है और साफ होता है और बुर भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ पाइप अलाइनमेंट क्लैंप इन प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में पाइप अलाइनमेंट का क्या काम है? ए अलाइनिंग पाइप्स फॉर वेल्डिंग, बी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, सी मेजरिंग वाटर फ्लो, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इज अलाइनिंग पाइप फॉर वेल्डिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अलाइनमेंट क्लैंप जहाँ कहीं पाइप फिटर इसको जॉइंट को लगाते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त काम आता है। जैसे कि पिक्स में दिखाया गया है कि एक मुश्किल जॉइंट है रिड्यूसर का, तो दो क्लैंप इसमें लगाए गए हैं, उसका सरफेस बिल्कुल बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पाइप टैपिंग मशीन इन प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में टैपिंग मशीन का क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी क्रिएटिंग थ्रेड ऑन पाइप, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी टैपिंग इनटू एग्जिस्टिंग पाइप। ऑप्शन डी है इसका जवाब, टैपिंग इनटू एग्जिस्टिंग पाइप। ये पाइप टैपिंग मशीन है जिसके ज़रिए हम किसी पाइप के अंदर थ्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं उसकी सतह पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ सपोर्ट ब्रैकेट इन प्लम्बिंग। सपोर्ट ब्रैकेट का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी सपोर्टिंग पाइप टू प्रिवेंट सैगिंग और मूवमेंट, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सपोर्टिंग पाइप टू प्रिवेंट सैगिंग और मूवमेंट। ये पिक्चर तमाम ब्रैकेट्स की दी गई हैं। ब्रैकेट का यही काम है कि पाइप को एक सीध में रखना और इसकी मूवमेंट को कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेशर रिलीफ वेल्व इन प्लम्बिंग। प्रेशर रिलीफ वेल्व का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी टेस्टिंग वाटर प्रेशर, सी रिलीविंग एक्सेस प्रेशर इन अ सिस्टम, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रिलीविंग एक्सेस प्रेशर इन अ सिस्टम। सिस्टम में जो ज़्यादा प्रेशर आ गया है उसको रिलीज़ करने के लिए प्रेशर रिलीफ वेल्व काम आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाइप स्ट्रैप इन प्लम्बिंग। पाइप स्ट्रैप का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ सीलिंग पाइप जॉइंट, बी सपोर्टिंग पाइप, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सपोर्टिंग पाइप्स। पाइप स्ट्रैप्स हैं, यानी कि पाइप को हम ने कहीं हैंग करना होगा तो ये पाइप स्ट्रैप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाइप की सपोर्ट के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ टेस्ट पंप इन प्लम्बिंग। टेस्ट पंप का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी टेस्टिंग वाटर प्रेशर, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब होगा टेस्टिंग वाटर प्रेशर। जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं मिसाल के तौर पर वॉशरूम वगैरह में, तो उसको फाइनल चेक करने के लिए हम इस प्रेशर पंप का इस्तेमाल करते हैं लीकेज वगैरह। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पाइप शैम्फरिंग टूल इन प्लम्बिंग। पाइप शैम्फरिंग टूल का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी क्रिएटिंग शैम्फर और बेवल्ड एज ऑन पाइप, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब है
क्रिएटिंग अ शैम्फर और बेवल्ड एज ऑन पाइप। प्लास्टिक पाइप पे अगर हमें बेवल लगानी हो तो उसके काम ये आता है, जैसे हमारा पेंसिल शॉर्पनर काम करता है इसी तरह ये काम करता है इनसाइड और आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाइप कपलिंग इन प्लम्बिंग। पाइप कपलिंग का प्लम्बिंग में क्या काम है। ऑप्शन ए इज़ मेजरिंग वाटर फ्लो, बी ज्वाइनिंग टू पाइप टुगेदर, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्वाइनिंग टू पाइप्स टुगेदर। ये मुख्तलिफ किस्म की कपलिंग दिखाई गई है जिन्हें हम सॉकेट भी कहते हैं, यूनियन भी कहेंगे और कपलर भी कहते हैं, एडॉप्टर भी कहेंगे। इन सब का यही काम है, ये दो पाइपों को आपस में ज्वाइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पाइप इंसुलेशन टेप इन प्लम्बिंग। पाइप इंसुलेशन टेप का प्लम्बिंग में क्या काम है। ऑप्शन ए इज़ सीलिंग पाइप जॉइंट, बी क्रिएटिंग इंसुलेशन फॉर पाइप, सी मेजरिंग वाटर फ्लो, डी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिएटिंग इंसुलेशन फॉर पाइप। पाइप के ऊपर इंसुलेशन करने के लिए हम पाइप इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये मोटी थिकनेस का होता है और आम तौर पर जब हम एमएस पाइप को, गैलोनाइज पाइप को ज़मीन के अंदर लगा रहे होते हैं, ज़मीन के नीचे करना होता है, तो वहाँ पहले हम ये टेप लगाते हैं फिर उसको इंस्टॉल। लास्ट वन 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाइप लोकेटर इन प्लम्बिंग। पाइप लोकेटर का प्लम्बिंग में क्या काम है। ऑप्शन ए इज़ लोकेटिंग लीक इन पाइप, बी मेजरिंग वाटर फ्लो, सी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकेटिंग लीक इन पाइप। पाइप कहाँ से लीक है उसकी लोकेशन ये बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो। प्लम्बिंग विद जुल्फ़िकार की तरफ से इजाज़त दें। अगर वीडियो कुछ पसंद आ रही हो आपको तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।